तो इंग्लिश के तो फॉन्ट बहुत सारे कहीं भी कोई भी दे देगा, लेकिन यही फॉन्ट अगर आपको हिंदी में अलग अलग स्टाइल में चाहिए कोई नहीं दे पाएगा, सच बता रहा हूँ। अगर कोई देगा भी ना तो बहुत मुश्किल से देगा और काम नहीं करेगा। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जो बहुत ईजिली आप अपने हिंदी फॉन्ट को तरह तरह के स्टाइल में चेंज करके और आप अपने फोटो नाम थंबनेल बैनर कहीं पे भी यूज कर पाओगे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ दिस वीडियो। सबसे पहले क्या करना है, आपको टेलीग्राम पे जाना है। आप कहोगे कि टेलीग्राम पे क्यों जाना है, तो टेलीग्राम पे ही मिलेगा आपको वहाँ पे लिंक, ऐसा डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, दे दिया तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पे आपको टेलीग्राम TNK पावर प्ले ये दिख जाएगा आपको। ये फोटो मैंने फिलहाल चेंज किया है, पहले कुछ और था। यहाँ आने के बाद आपको हिंदी फॉन्ट जनरेटर के नाम से ये ऐप लिंक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे हमको फॉलो कर लेना, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई में ये चीज़ दे दूंगा हिंदी फॉन्ट वाला। अब देखो यहाँ पे टेलीग्राम को आकर के सब्सक्राइब कर देना है, यानी ज्वाइन जो होता है, और मेरे टेलीग्राम से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आप आते ही आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो टेलीग्राम का जो चैनल है आपके बहुत काम का है। चलिए अब बिना बकवास किए इस लिंक पे मैं क्लिक करता हूँ, और जैसे ही क्लिक करूँगा एक साइट के अंदर मैं चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ से हम बहुत ईजी एडिटिंग मतलब अपना काम करने वाले हैं। किसी एप्लीकेशन में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, फालतू काम यहाँ पे नहीं है। तो जैसे यहाँ पे टाइप कर देना है, क्या टाइप करना है, जैसे मैं अपने लैंग्वेज कीबोर्ड को हिंदी मोड में कर लेता हूँ यहाँ पे। तो कैसे हैं आप लोग, सेकेंड वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको तरह तरह के फॉन्ट दिख जाएंगे। आप ये जितने भी सारे फॉन्ट हैं सब फिल्मी में थंबनेल में बहुत सारे यूट्यूबर इसका यूज करता है। तो जैसे सपोज डैट मुझे कि ये चाहिए फॉन्ट ये वाला, तो जैसे ये मैंने उस पर क्लिक कर दिया, यहाँ पे इंटर फॉन्ट साइज, तो ये साइज जो रहेगा वो रहने देना, इससे कोई माने मतलब नहीं होता है। और यहाँ पे आपको ABC ये इस स्टाइल में मिल जाएगा कि ऐसा आपको लिखा होगा चाहिए, तो ये भी आपको मिल जाएगा आसानी से जैसे ही आप क्लिक करोगे। यहाँ पे नहीं शो करेगा तो आप जनरेट पे क्लिक कर देना, तो आपका जनरेट हो जाएगा। अब देखो मैं ये तो कैसे हैं आप लोग, अब इसको मैं चेंज करके दिखाता हूँ, देखना ये पहले कुछ और था, मैंने इसको कुछ और कर दिया और अब कुछ और कर रहा हूँ। ये देखो मैंने ऐसे कर दिया, सिंपली हिंदी वाले फॉन्ट जो है चेंज हो गए। ये देखो, अब कहोगे कि इसको यूज कैसे करना है। अभी आप इस वीडियो को कट स्किप मत करना, अभी आपको पता नहीं है कि इसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये जो कुछ कोड दिख रहा है ना, ये कलर है, आप इस पर कलर, जैसे मैं रेड कलर को डाउन कर लेता हूँ और ये मेरा जो है रेड कलर का हो गया। अब क्या करना है आपको, इसको डाउनलोड करना है, तो इस पर आप दबाए रखिएगा, ठीक है, होल्ड किए रखिएगा 2 सेकेंड, डाउनलोड इमेज कर लेना है। अब डाउनलोड इमेज करके आप देखो कि कैसे आपको पिक्सआर्ट में जा करके और वहाँ पर आपको यूज करना है। तो जैसे हम इस एप्लीकेशन के अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे हम जैसे देखो मैं अपना थंबनेल यहाँ पे बना ही रहा था, तो मैं यहाँ ऐड फोटो पे क्लिक कर देता हूँ और कर देता हूँ इस पे क्लिक, जो अभी मैंने फ़ोटो डाउनलोड किया। तो कैसे हैं आप लोग का, यहाँ पे एक ये आ गया, लेकिन ये इसमें मैच नहीं कर रहा है और हमको करना है इसका कलर चेंज। तो सपोज डैट यहाँ पर आपको आ जाना है एडजस्टमेंट पर, और यहाँ पर ह्यू पर आ करके इसका कलर आप चेंज कर सकते हो। ऐसे आपको यहाँ से काम नहीं चलेगा, आपको कुछ और नेक्स्ट लेवल का कलर चाहिए, इफेक्ट्स पे आना और यहाँ पे आ जाना कलर पे, ठीक है। ये जो कलर का ऑप्शन है यहाँ पे आपको बहुत सारे ये कलर आपको दिख जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको ये सभी पसंद नहीं है। ये देखो ग्रेडियंट कलर है, ये भी पसंद नहीं है, कलर रिप्लेस पे जाना, इसको कहीं भी ऐसे रख देना और इस ह्यू को ऐसे वैसे कर लेना, उसके बाद ओके पे कर लेना, इस तरह से लगा लेना। फिर भी आपको मज़ा नहीं दे तो बॉर्डर पे क्लिक कर लेना और आपको ऐसे लगा लेना। इस तरह से जो है आप हिंदी फॉन्ट को यूज कर सकते हो PNG डाउनलोड करके, वहाँ से जो भी चीज़ चाहिए आप लिखो, PNG में कन्वर्ट करो और उसको डाउनलोड करो और यूज करो। सो इस तरह से मैं ये जो हिंदी फॉन्ट है ना, मैं सारा के ऐसे ही यूज करता हूँ। और जो मैं थंबनेल बनाया हूँ, और ये थंबनेल बनाने का आइडिया हर किसी को नहीं होता। देखो इसमें क्या क्या है कि मैंने ये रेड शेडोज दिया है, यहाँ पे ये कुछ बुंदा दिया है, यहाँ पे लाइट लगाया है, ये फ़ोटो को बैकग्राउंड के हिसाब से कैसे मैच किया है, इधर से भी एक लाइट आया है, ये मैंने कैसे लिखा, ये फॉन्ट्स में मेरे पास ऐसे, ये सब कहाँ से आया। अगर ये सब आपको जानना है तो कमेंट कर देना, मैं इजीली बता दूंगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।